बसमिलीम डियर स्टूडेंट्स वालेकुम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर ऑफ मैथमेटिक्स एंड आवर टुडेज टॉपिक इज राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे इसकी बेसिक्स की बात करेंगे देन वी हैव टू डिस्कस द पॉइंट्स टू पॉन्डर वट आर द इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स डेट आर यूज टू सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल और एंड पे कुछ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे सो so, सबसे पहले एक्साम्पल क्वेश्चन है डेट इन अ ट्राइंगल ए बी सी विद यूजल नोटेशन इफ कोजाइन ऑफ एल्फा इज जीरो ज़ीरोन ट्राइंगल ए बी सी शुड बी आईसोसेल्स इक्वल्ट्रल राइट एंगल और इट इज़ एन एक ट्राइंगल हमें कंडीशन क्या गिवन है इफ कोजाइन ऑफ एल्फा इज इक्वल टू जीरो कोई भी उसका एक एंगल है एल्फा उसका कोजाइन आपने लिया है वो जीरो की इक्वल है सो वी हैव टू टेल दैट दिस ट्राइंगल इज आर आईसोस इक्वलिट्रल राइट एंगल और एक्यू ट्राइंगल सो इसकी बेसिक्स डिस्कस करते हैं उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सो वट इज एन ट्राइंगल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आज का हमारा टॉपिक है ट्राइंगल ज ए ट्राइंगल विद वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री अगर उसका एक एंगल कोई सा एक एंगल 90 डिग्री का इक्वल होगा तो उसको हम नाम देंगे राइट एंगल ट्राइ अब इसमें हमारे पास आप जानते हैं कि टोटल तीन एंगल होते हैं ट्राइ के और उसमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होती क्योंकि स्पेसिफिक एंगल नाइन्टी होना चाहिए तीनों में से कोई सा एक एंगल अगर नाइन्टी का इक्वल होगा दैट शुड बी और राइट एंगल ट्राइंगल इन अ ट्राइंगल ए बी सी देर आर सिक्स इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड्स तो इसके टोटल जो पैरामीटर्स हैं जिनके साथ हम डील करते हैं वो सिक्स हैं